रामनवमी के अवसर पर बिलाईगढ़ में सर्वधर्म के नवयुवकों ने धूमधाम से भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली। गोविंदवन रेस्ट हाउस में पहले महिलाओं ने श्री राम की आरती की और उसके बाद शोभा यात्रा आरंभ हुई। गोविंदवन से आरंभ हुई शोभा यात्रा बिलाईगढ़ के मुख्य मार्गों में भ्रमण करते हुए समलाई माता के मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान अनेक स्थानों पर नागरिकों ने आरती की और शोभा यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा के नेतृत्व जयदीप पांडेय ने किया और इसमें सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इस रैली में मुसलमान संप्रदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें शोभा यात्रा की शान युवा नगर अध्यक्ष यूसुफ खान रहे। रामलला के जन्म उत्सव के अवसर पर उनके शोभा यात्रा का आयोजन किया गया बिलाईगढ़ में और यहाँ एक एकता का प्रतीक और संदेश कि सब भाई बंधु सभी त्योहार में आपस में मिले रहें। बिलाईगढ़ से करण साहू की रिपोर्ट।